अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? यूपी सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। और आज की जो वीडियो है ये समझ लें कि एक रिक्वेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, कि जो मेरी वीडियोज़ होती हैं वो US स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से ही होती हैं। तो इसमें जो क्यूरीज हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि यार मैं $11,000 जो ट्यूशन फीस है, मैं कम से कम ट्यूशन फीस की आपको बात बता रहा हूँ, जो कि कॉलेज है और एक अच्छी स्टेट का मतलब यह है कि यूएसए पूरा का पूरा जितना भी है, सारा का सारा गुलदस्ता नहीं है या सारा का सारा यूएसए ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप जाएंगे आपको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी या आपको यानी कि लिविंग स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। तो हर चीज़ों को देख के मैंने पहले ही डिस्क्राइब किया हुआ है कि मैंने वॉशिंगटन को क्यों इतना फोकस किया हुआ है यूएसए में, कि मैं वहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रमोट कर रहा होता हूँ। तो उसकी रीज़न भी बताइए कि काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है कि जो $11,000 जो ट्यूशन फीस है, जो मेरे पास जो कॉलेज है जो मैं प्रमोट ज़्यादा कर रहा होता हूँ, तो आखिर ये बेयर कैसे होगा? ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि $300 है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो ये बन जाते हैं 33 लाख रुपीज़ पाकिस्तानी, और इतनी बड़ी ह्यूज अमाउंट शायद उन्हें लगता है कि यहाँ पाकिस्तान से देके जानी होगी, और वो सबसे पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं डॉलर के साथ, जो कि सबसे गलत तरीका है। आपको डॉलर से कन्वर्ट करना ही नहीं है। $11,000 फीस ज़रूर है, लेकिन आपसे अभी कोई मांग नहीं रहा, कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि आपने $11,000 अभी पे करने हैं। तो इवन के कुछ सिनेरियोज में आपको सिर्फ एक क्वार्टर की ट्यूशन फीस पे करनी होती है, वो भी कोई $3,500-4,000 बनती है, और वो भी कुछ सूरतों में आपको ऑन अराइवल भी आपकी ट्यूशन फीस हो जाती है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल कि हमें क्या प्रेफरेंस मिलती है आपके हवाले से, कि भाई क्या हो सकता है आपके साथ। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, अब ट्यूशन फीस के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि आप जो ट्यूशन फीस है वो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने करना है अपना एडमिशन सिक्योर करना है। एडमिशन सिक्योर भी किया जाता है, एक टाइम पीरियड आपने रखना होता है। तो एडमिशन सिक्योर करने के बाद फिर आपने जहन बनाना होता है कि जी एडमिशन मेरा सिक्योर हो गया, I-20 मेरी आ गई, अब मैंने वीज़ा लेना है। वीज़ा आपका हो गया, अब आपने ट्यूशन फीस की टेंशन लेनी है कि ट्यूशन फीस जो है वो आपने इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। इंस्टॉलमेंट में पे करना कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान से अगर आप जा रहे होंगे तो आपको जस्ट $2,000 या $2,500 अगर इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी तो ये पे करनी होगी आपको, उसके बाद हर महीने पर मंथ आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है। लेकिन ये भी बात आप समझें कि आपने अगर ये जहन बनाया हुआ है कि आप पाकिस्तान से अपने वालदैन को तंग करेंगे कि भाई मुझे पैसे दें, मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो फिर तो शायद मुश्किल पड़ने वाला है कि आपको कोई $2,000 या $2,500 महीने के भेजेगा, तो शायद ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा या आपके घर वालों के लिए। ऐसे भी लोग हैं जो वाकई पाकिस्तान या इंडिया से जाते हैं और जिन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम वो लोग जा रहे होते हैं जिनको ज़रूरत होती है। तो अगर आप उनमें से हैं तो आपकी सोच यही होगी कि यार ये जो अखराजात हैं फिर कौन बेयर करेगा। तो अखराजात भाई आपने बेयर करना है, क्योंकि आप जब US पहुँच जाते हैं और एक ऐसी स्टेट में पहुँच जाते हैं जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, जहाँ पर जॉब्स बेइंतहा हैं, यानी कि इतने लोग नहीं है जितनी जॉब्स हैं, और इतनी पे स्केल है जो मिनिमम है ना, जिसको कुछ नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता, आप अनस्किल्ड है, आपने कोई हुनर नहीं सीखा, आप बिल्कुल बेकार आदमी, आपको जबान भी नहीं आती। अगर उसके बाद अव्वल तो जबान नहीं आती होगी तो स्टूडेंट पे आप नहीं जा सकेंगे मेरे पास से, लेकिन बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल बेकार का मतलब आपको कुछ भी नहीं आता, आप सिर्फ टेबल साफ कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, या कोई भी आपको काम, बस जस्ट अनस्किल्ड एम्प्लॉय हैं आप, वर्कर हैं, तब भी आपको $15 पर घंटे का मिल जाएगा। यानी कि ये वो मैं रेट बता रहा हूँ जो कुछ ना आने वाले के लिए, लेकिन जिसे आता है कुछ ना कुछ आपने स्किल हासिल कर लिए, जैसे मिसाल के तौर पे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, या फिर आप वेब डेवलपर हैं, या फिर एंड्रॉयड डेवलपर हैं, इसके अलावा आप कॉन्टेंट डिवेलपर हैं यानी कॉन्टेंट राइटर हैं, या फिर आप डिजिटल मार्केटर हैं, या अमेजोन पर काम कर सकते हैं, या 10 चीज़ें हैं आप किसी भी चीज़ पर, यानी कि आपके अंदर कुछ भी स्किल है, सेल्स के सेल्स स्पेशलिस्ट हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर भाई आपका पे स्किल बढ़ जाएगा, आप 20 पे भी जा सकते हैं, $25 पे भी जा सकते हैं। अब आप मुझे कैलकुलेट करके बताएं, एक मम्मी डैडी बच्चा मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ माजरत के साथ, अगर वो बुरा मान रहा है, तो अगर वो 4 घंटे भी काम करता है तो भाई $60 वो कवर करता है, $60 per day, और वो मंथ पे चले गए तो तकरीबन $1,800-2,000 वो सेव कर लेता है, ठीक है, यानी कि बचा लेता है। अब इसमें वो आराम से अपनी एजुकेशन के एक्सपेंसेस भी निकाल सकता है, अपने रिहाइश के एक्सपेंसेस भी निकाल सकता है, उसको मंगवाने की जरूरत नहीं कुछ। ये मैंने उनके लिए बात बताई है जो उतना काम करेंगे जितना उनको अपनी जरूरत है, लेकिन जाहिर बात है कि जब इसका जिक्र मौजूद है
कि भाई अगर हम आपको एक पहाड़ भी दे दें तो आप दूसरा सोने का पहाड़ मांगेंगे, तो भाई पेट नहीं भरता। आप ये कहेंगे कि नहीं जी, जब काम करना है तो मैंने कुछ अर्न भी करना है, तो भाई आपने जब अर्न करना है तो आपने फुल टाइम काम करना है। और यूएस में मैं ये खासियत पहले भी बता चुका हूँ, ये वैसे इलीगल है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपका स्टूडेंट वीजा हो गया, आप वहां पे पहुंच गए, आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज अटेंड कर रहे हैं, उसके दौरान अगर आप काम कर रहे हैं फुल टाइम, इवन कि 8 से 10 घंटे भी काम कर रहे हैं ना, तो कोई ये पूछने नहीं आएगा कि क्यों काम कर रहे हैं। ये सबसे प्यारी खासियत है जो मुझे पसंद आती है। तो जब आप यूके से कंपेयर करेंगे तो आपको लग पता जाएगा यूके में कितने रिस्ट्रिक्शन हैं। तो इसमें फिर ऐसा है कि आप जब ये अपने एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप दूसरे सिनेरियो में अगर फुल टाइम जॉब करते हैं तो आ जाए $15 per घंटे की बात पे, आपने 8 घंटे काम किया तो $120 आप पर डे का सेव कर रहे हैं, और अगर आप इतने मेहनती हैं कि डेली काम कर रहे हैं तो $3,600 आप मंथ का कमा रहे हैं, जिसमें से आपकी हॉस्टल अगर आपने रिहाइश के निकाल दिए $700-600 महीने के निकाल दिए, उसके बाद आपने खाना ट्रैवलिंग सब कुछ करके भी आपने 1500, बहुत हद मारे अगर आपने ट्यूशन फीस भी निकाल दी तो 2500, फिर भी भाई आप $700 महीने का सेव करते हैं। यानी कि ये मैंने वो बताया जो अनस्किल्ड एम्प्लॉय, जिसे कुछ नहीं आता, जो नया नया नन्ना मुन्ना काका निकल के आता है कि मैंने काम भी करना और पढ़ना भी है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी बात। अब सारी जिंदगी ऐसा नहीं रहना मेरे भाई, आपका अगर आप अंडर ग्रेजुएट करने के लिए आए हैं, यानी कि कॉलेज में आए हैं, तो आपकी जो डिग्री है भाई वो 4 साल की है, बैचलर्स डिग्री। और बैचलर्स डिग्री को कुछ लोग 2 हिस्सों में करते हैं, एसोसिएट डिग्री करते हैं कॉलेज में और उसके बाद 2 साल यूनिवर्सिटी में कंप्लीट करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं नहीं, हमें डायरेक्टली 4 ईयर्स जो है वो कॉलेज में भी कवर कर सकते हैं या यूनिवर्सिटी में भी कवर कर सकते हैं। इसमें हमें ये सहूलत मिलती है कि अगर आप एसोसिएट डिग्री करते हैं तो उसके बाद आप 2 साल जो है, यानी कि करने के बाद आप 2 साल वर्क कर सकते हैं एज अ ओपीटी प्रोग्राम, आप एलिजिबल हो जाते हैं काम करने के लिए फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। तो भाई ये वो वक्त होता है जब आप ये 700 जो सेविंग करके आ रहे होते हैं, अगर आप 2 साल की सेविंग को ले जाएं 700 से, तो आपके कोई $8,000-9,000 हो जाते हैं, 2 साल के कोई $18,000 आपने सेव कर लिए। अब आप इन पैसों को पाकिस्तानी रुपयों से कन्वर्ट करें कि आप $18,000 2 साल में स्टडी भी आपने हासिल कर ली, आपने अपनी डिग्री भी हासिल कर ली। अब जरा समझिएगा मेरी बात, बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि आपने 2 साल में अपने मुल्क से आपने कितनी इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर की। मिसाल दे रहा हूँ, आपने $6,000 अपने ऊपर इन्वेस्ट किए पाकिस्तान से अमेरिका जाने के लिए, इंडिया से कहीं से भी $6,000 आपने अपने ऊपर खर्च किए कि आप एज ए स्टूडेंट पहुंच गए। अब $6,000 खर्च करने के बाद 2 साल के बाद आपने डिग्री भी ले ली, अगर एसोसिएट डिग्री आपने की, 2 साल में एसोसिएट डिग्री आपने कंप्लीट कर ली, अब आपके पास $18,000 की सेविंग मौजूद है। $18,000 पाकिस्तानी रुपीज में अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो कोई भाई 50 से 55 लाख रुपए आपके बन गए, ये आपने सेव कर लिए 2 साल में, और ये आपने खेलते कूदते किए हैं, यानी कि अभी आपने एजुकेशन हासिल की उसके दौरान आपने काम करके किए। अब आपने कहा कि नहीं जी, अब तो 2 साल मैंने सिर्फ काम ही करना है, पढ़ना नहीं है, क्योंकि ओपीटी आपका अलाउ होगी, आप 2 साल के लिए आप काम कर रहे हैं। अब इसका पे स्केल भी बढ़ जाएगा, अब इसका पे स्केल $20 से $25 per घंटा। अब $25 per घंटा है तो उससे आप खुद कैलकुलेट करें कि भाई कितने कमा लेंगे, आपकी पे $6,000 से $7,000 तक भी चली जाएगी। इवन कि मैं कुछ स्टूडेंट्स हैं, मैं नाम नहीं ले सकता माजरत के साथ, वो एसोसिएट डिग्री करने के लिए आते हैं और वो महीने का $6,000-6,000 अभी भी अर्न कर रहे हैं, अभी, यानी कि पहुंचे हैं 1 से 2 महीने में उन्होंने $5,000 से $6,000 अर्न करना शुरू भी कर दिया। तो भाई आपकी स्मार्टनेस में आप कितना कमा सकते हैं, और आपकी जरूरतों पे भी है, और आपकी ख्वाहिशों पे भी है, और आपके दिमाग पे भी है। तो भाई यूएसए जो है ना, प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटी है, आप बहुत कुछ कमा सकते हैं, आप पैसा भी कमा सकते हैं, करियर भी कमा सकते हैं। और उसके बाद जो लोग ख्वाहिश रखते हैं कि जी मैंने डिग्री के बाद, नहीं यार हमने तो पासपोर्ट लेना, हम तो पासपोर्ट लेने आए थे या ग्रीन कार्ड लेने आए थे, कुछ लोगों के जहन में ये बहुत बुरी किस्म की मिथ है कि यार यही तरीके रह गए हैं पासपोर्ट लेने के, क्या असाइलम ले लो, शादी कर लो। भाई ये घिसे पिटे रास्ते हो गए, इसके अलावा 10,000 रास्ते हैं। ये फास्ट रूट जरूर हो सकता है, शादी का जो रूट है फास्ट रूट जरूर हो सकता है, लेकिन ये भाई इतना कारामद भी नहीं है, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं ना भाई, जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, तो वो लोग है ना कोई और रास्ता ही देखते हैं, वो रास्ता है आपकी एजुकेशन। आप एजुकेशन करने के लिए यूएस में आए, आपने डिग्री अपनी मुकम्मल की, डिग्री मुकम्मल करने के बाद आप अपने वर्क परमिट पे गए, H1B पे गए लीगली, और वर्क परमिट पे जाने के बाद आप सिर्फ एक कदम पीछे हैं अपनी ग्रीन कार्ड से। जब आप ग्रीन कार्ड की तरफ जाते हैं, ग्रीन कार्ड के बाद आप
एज अ सिटीजन ही ट्रीट हो रहे होते हैं और फिर आपका फिर लाइफ सेट हो चुकी होती है। तो भाई देखें, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता है। जब तक आप इन चीजों पर पहुंचते हैं, इन स्टेप्स पर पहुंचते हैं, तब तक आप इतने सेटल्ड हो चुके होते हैं कि आप अपने आप को भी संभाल सकें और अपनी फैमिली को भी संभाल सकें। तो भाई आरओआई के हवाले से जितनी चीजें मैं जानता था कि आप अपने ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पहुंचने के लिए और कितना कुछ अर्न कर रहे हैं, या आप खुद कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर लेके बैठे हैं, गूगल करें, गूगल पे जाके सर्च करें कि सलाउद्दीन ने ये बताया भाई कि वॉशिंगटन स्टेट में $15 पर घंटा वेजेस हैं, क्या ये झूठ बोल रहा है यूट्यूब पे सिर्फ अपने व्यूज के लिए, या अपने लोगों को किसी को बरगला तो नहीं रहा, फंसा तो नहीं रहा? तो भाई इसको आप टैली भी करें, ठीक है ना, उसके बाद मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें। और यार देखें, ये मुझसे ना पूछा करें माजरत के साथ, यार टिकट कितने की पड़ेगी, मैं कोई ट्रैवल एजेंट थोड़ी हूँ, मेरा काम थोड़ी है टिकट अरेंज आपको करके देना। हेल्प जरूर कर सकता हूँ लेकिन टिकट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, प्लीज टिकट का मुझसे ना पूछा करें। और भाई इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको पाकिस्तान से बाहर इंशाल्लाह मैं नजर आऊंगा, और जब मैं पहुंच जाऊंगा तो बगैर तौर पर वहां पर कुछ वीडियोज भी बनानी है, अल्लाह ने मेरे चाह तो कुछ नए रास्ते में आपको निकाल के दूंगा कि आप किस तरीके से अपना करियर बना सकते हैं और किस तरीके से आप अगर पाकिस्तान से बाहर सेटल्ड होना चाहते हैं, जिन लोगों का ख्याल यूरोप के हवाले से है या टर्की के हवाले से, भाई वो इंशाल्लाह बड़ा उनको अच्छा लगेगा और उनको लगेगा कि एक वैल्यूएबल कंटेंट उनको मिल रहा है। तो इंशाल्लाह मैं उन तक मजीद मालूमात लेकर आता रहूँगा, और आप लोगों से सिर्फ दुआ है, दुआ की दरख्वास्त है कि आप हमेशा कोई अच्छा काम हो तो उसको सराहा किया करें और प्रमोट किया करें। बहुत बहुत शुक्रिया।